हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप जरूर बताना। हमारे गली में पता है जागरण हो रहा है, तो गाने लंगुरिया चल रहे थे, तो वही नाचने में लग रही थी। यहाँ पे मैंने चिप्स तले हैं या थोड़ी सी चाय बनाई है। नहा धो के थोड़ा सा मन होता है ना करने का, तो वही कर रही हूँ। पापड़ थोड़े से मैंने तले, और ना वो पार्लर जाना था, फिर सोचा कि आज नहीं कल जाते हैं। मुझे तो क्या मोनिका को जाना था, मैं तो साल डेढ़ साल में ऐसे थ्रेडिंग वगैरह कराती है बाल, तो पता नहीं कब उससे सोचा था, तब जाके किया। अभी मैंने कुछ भी शॉपिंग वगैरह नहीं की है, मोनिका को करा लेके आ गई थी। मैंने कुछ भी नहीं, कब सिलाऊंगी कब लेके आऊंगी पता नहीं। फिलहाल तो खाने पर ध्यान देते हैं, खाना क्या क्या बनाना है, क्योंकि बाजार जाना है। सारा काम हो गया, नहाना धोना हो गया, बस यही, बस बालों में जूड़ा लगाना है। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। आलूओं को उबाल लिया था, प्याज वगैरह डाल, प्याज सौंप जीरा ये सब डाल के आलूओं को पहले फ्राई कर लेंगे, अकोड़ लेंगे, फिर उसके बाद शिमला मिर्ची में भरेंगे। मैंने कई बार आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है, और ये जितनी भी शिमला मिर्ची है ना, उसमें से सिर्फ एक शिमला मिर्ची बची थी, सारी ख़त्म हो गई थी। फिर जो आलू बचे हैं ना, उसके मुझे पतले वाले आलू बनाने, मतलब पतली सब्जी बनानी पड़ी, चावल बनाने पड़े। इनको भरमा शिमला मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। मसाला हो गया है और टमाटर डाल दिए, देखिए इतने आलू मैंने उबाले थे, इतनी शिमला मिर्ची है, तब भी ये कम पड़ गई। और दही था, शिमला मिर्ची थी, मतलब साथ में खाते खाना तो वो ऐसे नहीं है। खुद की तारीफ़ खुद कर रही हूँ। रोज़ बनाते रहते हैं, हाथ बैठ जाता है। यहाँ पे आलू अकोड़ लिए हैं, इसमें मैंने बताया सौंफ, मैंने जीरा हींग सारे मसाले डाल के ठंडा करके शिमला मिर्ची में भरे हैं। देखिए शिमला मिर्ची भर जो फ्राई करे थे उतने आलू बचे हैं। ये वाले आलू पतले बनाऊंगी, और वो बचा दिए, वो ऐसे ही खाने के लिए, मतलब पूरी खूब अच्छे से ठूस ठूस के मैंने आलू भर दिए। आप चाहो जो ऊपर से शिमला मिर्ची के उतारते वो आप डाल सकते हो, पर मैं हटा देती हूँ। थोड़ा सा तेल बहुत कम लगता है, इतना तेल डाला, इसमें रख देंगे शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची को मैं अच्छे से ऐसे नहीं ऊपर से, मतलब एकदम से करारी करारी हो जाओ जब तक मैं बनाती हूँ। इसके बाद का जल्दबाजी में कोई वीडियो वगैरह नहीं बना था शिमला मिर्ची का, पर जो एक्स्ट्रा मैं अगर रखी हुई तो कल के ब्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी। इनको ढक दिया है, यहाँ हम दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे, बातचीत करते जा रहे, तो काम करते जा रहे, तो थोड़े से ही बर्तन थे। मोनिका ने बिजली वाला चूल्हा जला दिया, उस पर लगी हुई थी। मैं देखो यहाँ पे देख रही, मम्मी का कॉल आ रहा था, तो मैं मोनिका को बता रही थी मम्मी का कॉल आ रहा है, तो मैंने कहा कि अभी ऊपर लगाया है, कट कर दो, फिर बाद में मम्मी से बात करेंगे। वही सब घर की साफ सफाई, घर में पेंट वगैरह ये सब चल रहा है। ये ब्लॉग 13 तारीख को जाएगा, 13 तारीख को, हाँ 15, 16 को निकलना। क्या टाइम रह गया, इतने दिन में मेरे ब्लाउज सिल पाएंगे? बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। शादी वाले घर में इतनी टेंशन, कुछ भी नहीं लिया है ये। आज बोलते हैं आज ले आना कल ले आना, तो इस वजह से रह जाता है। 4-5 बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। बच्चों वंशु पूजा पाठ में लगी हुई है, मैं अपना ये सब करने में लगी हुई हूँ। मेरा हो गया, तो थोड़ी सी मेरी चाय रखी थी, चाय की तो आप लोग पता ही मैं कितनी बड़ी दीवानी हूँ, मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। बर्तनों को छींटा आ जाता, तो इसलिए मैंने चूल्हा साइड से कर दिया है। 4-5 ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। इनको करके बोतल लगाई, अभी तो देखिए फ्रिज में पानी इतना, 5-6 बोतल, मैं पूरे दिन हम लोग पानी की बोतलें भरते रहते, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही, रात को इतनी गर्मी लगती है ना। कूलर उतारा नहीं है, अब हम सोच रहे शादी के 2 दिन के लिए क्या ही कूलर उतारे, शादी के बाद उतारे आके, पर गर्मी में रुका ही नहीं जाता है। और छोटा घर है, एडजस्ट फैन चला दो तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम लोगों ने मिलके सारा काम कर लिया है, अब 2-3 दिन लगातार बाज़ार जाना है। बाज़ार का ब्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। खाना सारा कंप्लीट हुए जा रहा है, बर्तन सेट कर दिए मैंने, बर्तन मेरे सेट हो जाएंगे। ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं, थोड़े बहुत ही बर्तन थे, ये मैंने सारा सेट किए। यहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, मोंटी से मैंने बोला मोंटी चाय पत्ती ख़त्म हो गई, फिर मैं साबुन चाय पत्ती ये दोनों चीज़ें मंगाई, और इनसे मैंने फ़ोन करा कि साबुन और ये लेके आना, इकट्ठे आ जाते तो ठीक है, थोड़े थोड़े से पता नहीं चलते। और ऐसी बातचीत करते करते काम कब हो गया पता ही नहीं चला। चावल के लिए मैंने बोला मैंने मोंटी चावल बना लेते और थोड़ी रोटी और चिप्स वगैरह करे ही थे। बच्चों को टीवी चला गए थे और ये आ गए थे पीछे से, ये बच्चों के पास रहे थे, इतनी दोपहरी में कौन बच्चों के साथ जा रहा, तब भी मेरा इतना जी मचला रहा था, मतलब जो होती नहीं है ग्रामीण सेवा वाली, वो इतनी गर्मी लग रही थी क्या ही कहूँ। यहाँ मोंटी से मैं बोल रही थी पैसे वगैरह रख दो, कमरे पे मत जाना, पूरा घर मतलब सामान इधर से उधर, क्या पैक करना है क्या नहीं पैक करना है, तो इन सब में है। कुछ दिन में मोनिका पराई हो जाए, पता चल रहा है 3 महीने थे, अब शादी, अब शादी, अब कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन।
तो मोनिका घर को समेट रही है, कपड़े वगैरह मैंने निकाल ली, कौन से पैक करने हैं कौन से पैक नहीं कर रहे हैं, सोच रहे दिन में निकले या रात में निकले। देखिए ये तो बाद में जाएंगे, अभी तो क्योंकि इतने दिन पहले से कैसे जाएंगे। पैसे वगैरह हमने रखे, इतने पैसे लेके जाने, बच्चे देखिए अब छोटा घर है, पूरे दिन ये इधर फैलना उधर फैलना हो ही जाता है। सब्जी वगैरह कि मैंने बोला ना पतली सब्जी बनाए तो वही बनाए, फिलहाल मैं चावल ले ले रही हूँ, चावल मोंटी से बोला चावल बना के रख देते हैं और बच्चे खा भी लेंगे, खा पी के जाएंगे, वहाँ पे 2-2.5 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे। कीर्तन में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी और मेरे चावल हो गए ख़त्म। मतलब दोपहर सब बोलते हैं कि 5 बजे जाओ, 5-5:30 बजे जाओ, 5:30-6 बजे बाजार जाऊँगी, 7-8 बजे आऊँगी, फिर खाना कब बनाऊँगी, तो दोपहर में ही जाना होता है। मेन चीज़ क्या, मार्केट दूर नहीं है, मार्केट पास में ही है। शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन हुए तो एक शादी को निपटाए हुए, मैंने बोला ना मैंने चाय पत्ती मंगाई, वो साइड से कि ये सारी बोतलें भर के रख देंगे। मोनिका सब्जी बना रही है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सी सब्जी बना रही है कौन सी नहीं। मैंने फ्रीज वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर दी है, धूल मिट्टी आती रहती है। वंशु देखिए अपना पूजा पाठ में लगी है, हम लोगों ने अपना जो भी करना था वो कर लिया है। मेन चीज़ क्या है, साड़ी का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 4 बजे मैं उठी थी, अभी तो चलो मोनिका मदद करा देती है, 4 बजे मैं उठी थी, 4 बजे से इतनी सारी तैयारियों में लगी हूँ। और फिर से मुझे इस वाले में अभी मतलब मैं बाज़ार गई वैसे ही, मतलब मोनिका का सामान खरीद पाया था तभी इनका फ़ोन आया, वंशु के पापा आ गए हैं, तो फिर भूखे प्यासे आए तो फिर मैं चली आई, मैंने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा। अच्छा मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, एक आपने पसंद किया और मोनिका की शॉपिंग का नहीं किया, फिर उसका मन नहीं होता, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया करो ना प्लीज़। देखो पीछे ना बर्तन धोए थे, कीचड़ हो गया, उसको साफ़ कर दिया। ये मोनिका के टमाटर आलू बन रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला और इसमें आलू डाल देंगे, तरी वाली सब्जी, चावल बन ही रहे हैं, इसमें मसाले गरम मसाले धनिया वगैरह डाल के हमने सब्जी बनाई। नमक बहुत कम डाला है मोनिका ने, चावल में भी नमक कम इसमें भी नमक कम है, तो अब इसमें नमक डालना पड़ेगा। वंशु ने खाए हैं तो वंशु बता रही थी, हम लोगों ने नहीं खाए। अब आलू डाल दिए, मैंने सोचा था इसके पराठे बनाएंगे आलू, पर गर्मी में कौन पराठे बनाया, तो हमने छोड़ दिए। इसमें डाल देंगे पानी, जितना हमें पानी डालना है, चावल के साथ सही लगती है सब्जी, सही क्या अच्छी लगती है। यहाँ पे ये सब्जी बनती रहेगी, तब तक हम लोग बाल वगैरह ये सब बना के रेडी हो जाएंगे और आधे रास्ते स्कूटी से जाएंगे, आधे रास्ते पैदल पैदल जाएंगे, क्योंकि ना वहाँ पे हाईवे पे मुझसे स्कूटी चलती नहीं है। तो ये हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है, इसमें मोनिका धनिया की पत्ती डाल दी है, अच्छी लग रही है ना। और कुकर में चावल बना लिए थे, दूसरे वाले गैस चूल्हे पे हमने चावल कुकर में बनने रख दिए थे क्योंकि इस वाला कुकर नहीं है। मैं कढ़ाई में भी इसमें भी चावल बना लेती हूँ, कई बार बनाया, आप लोगों के साथ शेयर किया। सब्जी बनती रहेगी, चावल बन ही गए हैं, नमक इसमें थोड़ा सा पड़ेगा और दो दो सब्जी, देख रहे हो आप। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कर दी है दीदी की हेल्प, अब यहाँ पे मैं कराने जा रही हूँ अपनी लिपा फोटी, मतलब मैं थोड़ी सी वैक्स कराने जा रही हूँ। तो यहाँ पे दी की फ्रेंड है, उन्होंने बोल दिया था कि मैं तू मतलब सामान वगैरह लेके आ जाना, मैं थोड़ी हेल्प कर दूँगी, ऐसे तो आती है दी को भी आती है, तो इसलिए हम सामान वगैरह लेके आए। और मैं आपको वैक्स मशीन दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी लिपा पोटी करा लूँ, ये निकल नहीं रही है, ये री ये वैक्स की मशीन है। और यहाँ पे शोना देखिए क्या कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दीदी का ब्लॉग कर दिया है मैंने शुरू, और दीदी कर रही थी काम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही शुरू कर दूँ, तो यहाँ पे हो गया। और मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाई है आज, दीदी को पूछना कैसी बनी है क्योंकि ये मुझे बोलती है तू अच्छी नहीं बनाती, इसलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ, तो बट आज मैंने बना ही ली है। ओके तो अब मैं थोड़ी सी लिपा पोटी करवा लूँ और फिर आप दीदी से बात कर लीजिएगा। ये चीज़ें भी मतलब लंबा होना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, कभी कभी मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा आता है कि इतनी लंबाई और ये क्यों दिया है ना। प्लाजो आता है, मैंने सोचा एक प्लाजो ले लेती हूँ, घर में काम आम आता है, पर हर बार मेरे प्लाजो आता नहीं है। मैंने बोला अंकल जी प्लाजो थोड़ा सा और हैवी लेके आओ जो मेरे आ जाए, बहुत बुरा लगता है मुझे। कितनी ठीक है, कल सब्जी बनाई थी उसमें तेल ही तेल था बस, आज मैंने अच्छी सब्जी बनाई है, मेरी सब्जी की ना बुराई नहीं कर सकती है। पसीना देखो, बैग्स मंगाइए, वो आपको मशीन मोनिका दिखाई, ये वाला कितने का है मोनी, 130 का, 125 का, 120 का, ये आया। और ना हमें ध्यान ही नहीं रहा तो यहीं से 10 रुपये वाला पाउडर मंगा लिया है। नवरतन अमन तो खुशबू कितनी अच्छी आ रही थी, पहले डाल दो तुम, खुशबू अच्छी है,
तो चलो, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, फिर काम धंधा सारा हो गया, गैस के कपड़े हैं वो, सब्जी खाना सारा रेडी है। ये मोनिका ने बनाई है सब्जी, इसमें चावल है, उसमें रोटियां हैं। मोनिका कोई सब्जी लेनी है क्या? अरवी कैसे दियो भैया? 30 रुपए का आधा किलो, 60 रुपए किलो। अभी सब्जी हमारे क्या क्या रखी है, वो ग्वार की फली रखी है और करेला रखे हैं, दो रखे हैं। और वैसे कल वो है, वो एक और दिन वो सोयाबीन कड़ी अड़ी दही जमाई लेते हैं। तो चलो तैयार करते हैं, देखो शीशा कैसे हो गया। और सामने वाली अलमारी पे इग्नोर करना, क्योंकि ये हम कल मार्केट से सामान लाए थे, अभी दिखाएंगे। ये वो भरा, अभी आपको घर भरा भरा ही दिखेगा, क्योंकि बाजार जार अभी भी एक दो बार बाजार जाना ही जाना, बच्चे लगे हुए हैं। तो चलो, नेट वेस्ट मत करो मोंटी, सारा घर एकदम से साफ सुथरा है। यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए, मोनिका को बैग दे दिया, पानी की बोतल मैंने रख ली थी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वंशु से बोला गेट बंद कर लो, बाहर कीर्तन हो रहे थे, आंटी से बोल के गई थी, ये आ ही गए थे, स्कूटी की चाबी ली, पैसे वगैरह रखे, वैसे पे किए थे हम लोगों ने। और ना पता है वहाँ जाके उसमें भी 20 मिनट मिनिमम हम गाड़ी में बैठे होंगे, इतनी जी मचल रहा था, सोचिए गांव कैसे पहुँचेंगे, कैसे मेरी क्या हालत हुई, पता नहीं इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और शॉपिंग करने जाऊँगी ना तो तभी मैं कहीं नहीं, आप लोग बोलें तभी मैं कहीं नहीं जाना चाहती, चाहे शादी हो चाहे कुछ हो, मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इतना मेरा छाती में दर्द होने लग जाता है, उल्टी उल्टी से क्या ही बताओ। अच्छा, मैंने बहुत सारी रियल आवाज़ रखी है, कितने का क्या लिया है क्या नहीं लिया, बस बैकग्राउंड में जो नॉर्मल आवाज़ है वही है। देख उसे दिखा, उन्हें पसंद कैसे है। चलो ये सारे दिखा दो, इसी की शादी और वो भेज रही अपने ससुराल को, दूल्हे को निकाल निकाल के। क्यों, मैं मेरी मर्जी की लूँगी, तब भी वो बोले कि ये वाले लेने ही नहीं, पसंद पूछने में क्या जा रहा है। ज़्यादा लटके भी नहीं और वज वैसे भी हैं, साड़ी उसमें ना फंसे। साड़ी वो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे, 2200 रुपये की, इतने की थी नहीं, तो मैं साड़ी मैंने छोड़ दिया। फिर आपको दिखाती हूँ, ये हल्दी मेहंदी का लिया है, ये कितने का लिया कितने का नहीं आपको शॉर्ट वीडियो में मोनिका के मैं दिखा दूँगी। यहाँ से मोनिका ने मेकअप के प्रोडक्ट कुछ लिए, और ये अच्छे थे, प्लास्टिक के उस पर लगे हुए थे, और ऊन का गुल्ला लेते नहीं, कितना महंगा आता है, गले का है वो तो है ही, गले का अगर हम सर के इसमें यूज़ करें तो कर सकते हैं इसको, अच्छा नहीं लगा, लगी लगा छोटा सा रहा है चूड़ा, वो देख हाँ सब हम लाएंगे भैया, आपका डिब्बा अच्छे लग रहे हैं। भैया एक ढक्कन दे,
इधर हम उनको बता बच्चों के लिए नाच रहता खाना ले लो ये हाँ इन में देख लिया ये आ जाएगा ना अच्छा लग रहा है भाई ये दो दे दो ये सोना पर रेट इतना नहीं है ना रेट ज़्यादा है और क्या। तो हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे मोनिका से पूछ रहे थे अपने दूल्हे राजा से पूछ लो क्या लें क्या नहीं लें। तो यहाँ पे मोनिका ने हाथ में बांधने के वो क्या होते हैं वो सब ली वीडियो में देख लेना कुछ पिंस पिन लिए हैं साड़ी में लगाने के चूड़ा वगैरह ये सारी चीज़ें ली हैं। दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी थी रियल आवाज़ देखी है इतना महंगे भी नहीं थे। क्लेचर वगैरह लिए बच्चों के लिए चूड़े चूड़ियाँ वगैरह ली जो आपने देखा है। तैयार करके आ गए शाम का 5-6 बजे और रसोई बहुत फैली हुई है लगाएंगे बोत मयूर जग नहीं लगाया है बोतल में वो सॉरी मयूर बोतल को मयूर जग में नहीं लगाया। मोनिका देख कितना वो फैल गया है नीचे सारा का डस्टबिन मच्छर बहुत लग रहे हो ना रसोई तो दिखाने लायक नहीं है देखो मत क्योंकि आए बच्चे फिर इनके लिए खाना पीना बनना है थक गए थे थक भी गए मतलब गाड़ी में जाते हैं ना जी मचलता है मेरा बहुत ज़्यादा उल्टी होती है इसने बोल रहा हूँ मैं अपना ना रात को निकलेंगे। अब आप बताओ लेडी सवारी अकेले जाने का वो है और इतना सारा सामान होगा बताओ नहीं यार पता है दिन में ना हालत खराब हो जाती है यार। अब इसके जीजा जो करेंगे कहेंगे ना वो करेंगे सामान बहुत सारा सामान। ये देखो कचरे की गाड़ी नहीं आई क्या है कचरा गंदा कोई कचरा नहीं है ये हम बाजार से करके आए ना वो है आटे की थैली है मोंटी इसमें सारा भरो ये और पार्सल है ये इसमें भर देती हूँ चलो कर लेती हूँ और एक कप चाय फिर से मैं चाय पापड़ हमने खा ली एक आंख में काजल लगा मोनिका देख मेरे एक आंख में काजल लगा है एक में नहीं लगा कैसा लग रहा है बाइट काजल लेके आई थी ना मोनिका अपने लिए क्या क्या चीजें चल गई काजल एक ही होता था काला अब काला नीला पीला सब ले लो